हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप सभी को फूड बाइट्स में स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ। आज का रेसिपी है इलिश बाबा। ये डिश हिल्सा फिश से ही बनता है और हिल्सा फिश से ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये डिश। हिल्सा बंगाली लोगों का बहुत ही फेमस डिश है। हिल्सा फिश का जब सीजन आता है तो ये डिश हर एक बंगाली के घर में बनता ही है। तो चलिए शुरू करते आज का रेसिपी इलिश बाबा। सबसे पहले फिश को वॉश कर लीजिए। मैंने यहाँ पे पहले से वॉश करके रखी थी। अब कुछ मसाले का पेस्ट बनाना है, इसलिए सबसे पहले मस्टर्ड सीड्स लीजिए। अब सूखा लाल मिर्च ले लीजिए 4, 8-9 गार्लिक। अब लीजिए 1.5 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 9 स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला। अब कुछ ब्लैक पेपर ले लीजिए। अब इन सारे चीजों का पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, इससे पेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। पेस्ट बनकर रेडी है। अब फिश के साथ पेस्ट अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड कीजिए और ध्यान रखिए आप लोगों को मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करना है। यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल या घी अच्छा नहीं लगता इस डिश के साथ। अगर आप लोगों को ज़्यादा ऑयल पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, अगर कम पसंद है तो कम ऑयल ऐड कीजिए। हम इन सारे चीज़ों को दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद टिफिन बॉक्स या लंच बॉक्स में सारे मछलियों को डाल दीजिए। अब इसमें एक हरी मिर्च ऐड कर दीजिए, इससे अलग से एक एरोमा आता है। ढक दीजिए इसे। अब एक कढ़ाई में पानी ऐड कीजिए। पानी ऐड करने के बाद लंच बॉक्स को 30 मिनट के लिए दम पे छोड़ दीजिए। मिनट हो चुका है, देखिए हमारा डिश बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसे गरम गरम राइस के साथ सर्व कीजिए। ये राइस के साथ ही अच्छा लगता है। आप लोग इसे जरूर घर में ट्राई कीजिए, ये डिश बहुत ही यम्मी लगता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।